नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णाकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, अभी आप जिस दो राह पे खड़े हो, कभी पहले मैं भी खड़ा था, इसी राह पे खड़ा था, सेम यही कंडीशन मेरे साथ था। तो आपका बड़ा भाई होने के नाते मैं आपको आज अच्छा ही बताने आया हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में एक साल में कितने बच्चे आते हैं, मुश्किल से 4,000 से 5,000 बच्चे आते हैं। यहाँ पे एडमिशन उनका होता है, मुश्किल से अप्लाई कितने करते हैं, तो 40-45 हज़ार अप्लाई करते हैं। और 40-45 हज़ार लोग अप्लाई करते हैं, उनमें से मैं 10-15-20 हज़ार लोगों के पास पहुँच जाता हूँ कि तो ये आपका एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। पिछले 3 सालों से इस फील्ड में जुड़ा हुआ हूँ, तो जितने भी लोग आते हैं, कभी कभी तो ऐसा हालत हो जाता है कि जैसे मैं बीएन कॉलेज में रहता हूँ, पढ़ता हूँ, वहाँ पे जाता हूँ, तो पिछली बार एक लड़का आया और सबसे पहले मेरे एचओडी नागेश सर जो थे यहीं बगल में खड़े थे, उनके बगल में मैं भी खड़ा था। लड़का आया, सबसे पहले पहले मेरा पैर छूता है, तो मैं उसको बताऊँ, अरे सर मैं सर नहीं हूँ, सर एचओडी आपके ये हैं। उसके बाद एचओडी सर मेरे को ऐसा करके देखते हैं कि अच्छा ये कौन सा आदमी है, इसको स्टूडेंट क्यों। तो ये आप लोग का सपोर्ट है, आप लोग का प्यार है जो हम पर आप बनाए हैं, मेरे पे आप ट्रस्ट करते हैं वो। और इसी ट्रस्ट को कायम रखने के लिए मैं आता हूँ, अच्छी अच्छी वीडियो आपको लेकर जाता हूँ, बड़े भाई होने के नाते आपको अच्छा कुछ सलाह देता हूँ। तो अभी मेरे दोस्त, जो राह पे आप खड़े हो, दो राहे पे आप खड़े हो, एक राह आपका इधर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की ओर लेकर चला जा रहा है, एक आपका इधर पटना यूनिवर्सिटी की ओर लेकर चला जा रहा है, और आपको समझ ही नहीं आ रहा है। जैसा कि बताते हैं, आज हम बेसिकली आपको बताने वाले क्या हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसे कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया और उसमें बहुत सारे लोगों का क्या हुआ, नाम आ गया कि हाँ आपका एडमिशन हो सकता है। लास्ट डेट उसका 8 अगस्त 8 सितंबर तक है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि अभी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में मेरा आ गया, तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में हम ले लेते हैं, तो फिर पटना यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा, पहला मन में आपके ये आता है। बाय द वे, पाटलिपुत्र में ले लेते हैं, पटना यूनिवर्सिटी में ना हो तो उसका सपना भी आपका आधा हो जाएगा। तो इसी पे मैं आपको आज थोड़ी सी बता देता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। कोई भी एनीबॉडी कोई भी हो, जैसे पाटलिपुत्र का फिर सेकेंड लिस्ट भी आएगा, फिर पटना यूनिवर्सिटी का सेकेंड लिस्ट आएगा, तो ये जो वीडियो है सभी लोगों के लिए है, सभी लोगों के लिए है। तो जैसे पटना यूनिवर्सिटी का फर्स्ट कट ऑफ सितंबर में आएगा ही, तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जो मैं आपको अभी बताता हूँ। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेने चाहिए, कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अभी से आपको बना लेना चाहिए जो आपके एग्ज़ाम के, ये आपके एडमिशन के टाइम में आपको सपोर्ट मिले और वहाँ से आपका काउंसलिंग गलत ना हो जाए, मतलब काउंसलिंग से आप छट ना जाए। तो चलिए आज का वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा यूनिवर्सिटी अच्छा है। तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के जितने भी अभी कॉलेज हैं वो पहले क्या होते थे, मगध यूनिवर्सिटी में आते थे। तो 2018 में क्या किया गया कि मगध यूनिवर्सिटी को हटा दिया गया, मतलब मगध यूनिवर्सिटी को गया भेज दिया गया और एक नया यूनिवर्सिटी का बना जो है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में पटना के जितने भी कॉलेज हैं और नालंदा के कुछ कॉलेज हैं जिनको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की मान्यता दे दी गई। ये अलग बात है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का आने के बाद जो इसका सेशन लेट होता था, पहले 5 सालों में रिजल्ट देता था, 6 सालों में रिजल्ट देता था, कुछ हद तक सुधरा है, क्योंकि 18 में ही बना है तो 21 वालों का तो अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो आपका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जो है आपका 2 साल डिले चल रहा है, ये नो डाउट। एक बात और है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में क्लासेस जो होती है वो नहीं होती है। मेरा दोस्त एक एएन कॉलेज में पढ़ता है, वहाँ भी क्लास 2 दिन मात्र हो जाता था, 2 या 3 दिन, एक सप्ताह में 2 या 3 दिन आपको, जब उतना बड़ा कॉलेज एएन कॉलेज उतना बड़ा कॉलेज है वहाँ मात्र 2 या 3 दिन क्लास आपकी चलेंगी। उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप एडमिशन ले लिए तो आप वहाँ पे जाकर एग्ज़ाम देना है तो दो, नहीं देना है जाकर क्लास करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। पर पटना यूनिवर्सिटी में ये बात नहीं है, पटना यूनिवर्सिटी में आपको रोज़ जाकर कॉलेज करना पड़ेगा। अब आप मानो या ना मानो, मैं पटना डिस्ट्रिक्ट का ही रहने वाला हूँ, तो मेरे इलाके में जितने भी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज हैं वहाँ पर क्या होती है, चोरी धड़ल्ले से चलती है। मैं ही अपने गाँव से हूँ जो सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, पटना मैं ही नहीं, मेरे 4-5 गाँव मिलाकर बहुत कम लोग हैं, मतलब एक मैं ही हूँ जो नज़र आता है जो पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। आप भी बहुत लोग अपने गांव में मिला लो जो पटना यूनिवर्सिटी में, बहुत कम लोग पढ़ते होंगे। सबसे पहली बात तो पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन बहुत कम लोगों की होती है, क्योंकि इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम पहले होता था, 2012 के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है, और ऐसे भी 12 के बेसिस पे होता है, तो इसका जो कट ऑफ होता है वो हाई जाता है।
तो ये सब बातें हैं जो होती रहेंगी। तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के बारे में ही बता रहा था कि यहाँ पे क्लासेस आपको नहीं चलेंगी। यदि सिर्फ आपको डिग्री लेना है, डिग्री 3 साल हो 4 साल हो, और भले जो सुधार हो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में तो अलग बात है, बट इसका सेशन लेट चलता है, क्लासेस भी नहीं होती है। तो कुछ ये आप एक बात है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो होता है आपको हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। हॉस्टल यदि पटना में आप आते हो रहते हो तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। एकमात्र ये यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी पटना में ऐसा है जो इसमें क्या है कि कॉलेज से ज़्यादा आपको हॉस्टल की सुविधा मिलेगी। कॉलेज कम है पर इसमें हॉस्टल आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। एक एक कॉलेज का 5-5, 6-6 हॉस्टल है, एक कॉलेज का 6-6 हॉस्टल है। इतने हॉस्टल की सुविधा, लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल, लड़कों के लिए अलग हॉस्टल। हॉस्टल में सब सुविधाएं आपको, लाइट फ्री मिलेगी, 2400 घंटा लाइट मिलेगी आपको, सब कुछ फ्री मिलेगा। रहने का बहुत कम, 2700-2800 रुपया में आपको पर ईयर रह सकते हो। तो 200 का महीना पटना में अभी किराए की बात करो तो एक सिंगल रूम लेगो तो आपको 3000 पर मंथ देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कितना देना पड़ रहा है, यहाँ पर 200 पर मंथ आपको देना पड़ता है, 200 से थोड़ा सा ज़्यादा, 225-250 के आसपास। तो ये बहुत नगण्य है, मतलब इसको गिन भी नहीं सकते, इतना कम है, उसकी तुलना में ये बहुत कम है। तो ये सब बातें होती रहेंगी। पटना यूनिवर्सिटी आपका 3 साल में आपका एकदम ख़त्म कर देगा। और जब आप यहाँ 3 साल कॉलेज करने के बाद निकलोगे तो आपका बाय द बाय हिस्ट्री है, बाय द बाय ज्योग्राफी है, आपका पॉलिटी है, तो आप एक ज्ञान के भंडार रहोगे। आप उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे कहीं भी तर्क कर सकते हो, इतना आपको ज्ञान दे दिया जाएगा। आप नहीं भी कॉलेज में पढ़ोगे, सिर्फ रोज कॉलेज आओगे ना, तो आपको इतना अच्छे से संस्कार दिया जाएगा, इतना अच्छा सा बताया जाएगा कि आप जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करोगे। आज तक यहाँ जितने भी आए ना वो बड़े ही लेवल पे गए हैं पटना यूनिवर्सिटी से। क्योंकि देखो दिल्ली में क्या है, दिल्ली आपको ऐसा नहीं कि IAS IPS दिल्ली बनाता है, दिल्ली आपको माहौल देता है। वही बात यहाँ पटना यूनिवर्सिटी के बारे में है कि आपको यहाँ पर माहौल अच्छा मिलता है, पढ़ने का माहौल मिलता है जिससे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तब आप हम बात करते हैं मेन मुद्दे पर, ये सब बातें होती रहेंगी। आपका बड़ा भाई हूँ तो आपको अच्छा ही सलाह दूंगा। अब आया है उसका फर्स्ट लिस्ट। तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में टोटल 108,000-10,000 लोगों ने अप्लाई किया था। तो उसमें आप देख सकते हो कि 75% से ऊपर जितने भी लड़के हैं, अधिकांश लड़कों का जो है आ गया है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया है। उसके बाद तो उस हिसाब से सब कुछ को देखा जाए तो पटना यूनिवर्सिटी में भी 75% से ऊपर जितने भी लड़के हैं वो बेफिक्र रहो, आपको मिल जाएगा, वो आपको अच्छा सब्जेक्ट मिलेगा, ये टेंशन फ्री रहो। वो आप जनरल के हो या आप EWS हो, आपको सीट मिलेगा। और ABC SC ST वालों का तो कहना ही नहीं है, जिनका 75% है उनका तो एकदम एनी हाउ आपको जो सब्जेक्ट आप चाहते हो वो मिल जाएगा। अब बाय द वे आपको क्या करना है, आपको यदि हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ऑनर्स नहीं मिलता है तो आप एक काम कर सकते हो, आप इंग्लिश ऑनर्स भी ले सकते हो, और इंग्लिश ऑनर्स के साथ आप क्या कर सकते हो, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सब हिस्ट्री पॉलिटी आप सब्सिडरी में रख सकते हो, ज्योग्राफी पॉलिटी सब्सिडरी में रख सकते हो। आपको यहाँ करना क्या है, आपको यहाँ पढ़ना है, ज्ञान लेना है कि हाँ हम कुछ अच्छा करके जाएं। ऐसा तो नहीं है कि मेरा ज्योग्राफी ऑनर्स है तो हम ज्योग्राफी ऑनर्स को लेकर बहुत बड़ा ज्ञाता बन जाएंगे, ये करेंगे, नहीं। आप यदि पढ़ने के मोटिव से आओगे तो आपको अच्छा ही कोई इंग्लिश भी ऑनर्स मिलता है तो सब्सिडरी में ये दोनों सब्जेक्ट ले सकते हो। तो सब बातें हैं। तो जिनका 75% है और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में भी उनका आ गया है कि आपका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में हो गया फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, अब वो लोग चाह रहे हैं कि ना अब क्या किया जाए, क्या सोच में पड़े हुए हैं, तो आप सोचना बंद कर दो और आप आँख मूंद के वहाँ पर स्लाइड अप कर दो। स्लाइड अप यहाँ पे यदि कर दोगे, रिस्क लोगे। मेरे साथ था कि मेरा पटना कॉलेज में भी हो गया था और AN कॉलेज से भी मेरे को बुलावा आ गया था। पहले AN कॉलेज से बुलावा आया था, फिर पटना कॉलेज से हुआ था। तो हम उस समय AN कॉलेज तो बड़ा कॉलेज है ये आप जानते ही, तो उस समय हम AN कॉलेज को नेगलेक्ट कर दिए कि नहीं, हम रिस्क खेले वहाँ पे कि छोड़ो AN कॉलेज को हम जाने देते हैं। फिर मेरा पटना कॉलेज में आ गया और मैं आप लोगों के सामने हूँ। मुझे ये जो बनाया है, मेरा ये जो संस्कार दिया है, मुझे सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी दिया है। मैं इससे पहले कुछ नहीं था, एक गांव में रहा, छोटा सा रहा, संस्कार कुछ पता भी नहीं चलता था क्या कैसे है। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ कैसे रहा जाता है, कैसे बोला जाता है, कैसे तैयारी की जाती है, किस चीज़ की तैयारी की जाए, किस किताब से पढ़ी जाए। यहाँ पर आपको जो भी मिलेंगे स्कॉलर मिलेंगे, आपको अच्छे से तैयारी कर पाएंगे।
तो ये तो आप क्या कर सकते हो, आपको भी करना क्या है, आप अभी स्लाइड अप करो, स्लाइड अप कर दो। और ये देखो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में पटना यूनिवर्सिटी का आता है। पटना यूनिवर्सिटी में यदि वहाँ पर देखो कि 75% 78% का उठा रहा है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, तो एनी हाउ टेंशन फ्री हो जाओ, जिसका 70% भी है उसका भी एडमिशन पक्का पक्का हो जाएगा, एकदम एनी हाउ हो जाएगा। अब क्या कुछ लोग यहाँ पर आते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि पटना ये CBSE का रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, CBSE का रिजल्ट अच्छा हुआ इसलिए कट ऑफ हाई आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी लोग हैं वो ऐसा नहीं है कि सभी सभी सारे के सारे पटना यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई करते हैं, सभी पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, कुछ ऐसा नहीं है, टेंशन न लो। 75% फर्स्ट कट ऑफ पहले स्लाइड अप कर दो जिसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया है। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा आ सकता है पटना यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर आप स्लाइड अप कर दो सेकेंड मेरिट। यदि आप में काबिलियत है तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी आपको सेकंड चांस दूसरा कॉलेज देगा, स्लाइड अप जब कर दिए हो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी आपको दूसरा चांस देगा। यदि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आता है, ज़्यादा हाई एकदम कट ऑफ चल जाता है पटना यूनिवर्सिटी का, तो सेकेंड जो मेरिट लिस्ट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का आएगा तो उस समय आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना। यदि गलती से एक बात और, यदि गलती से आप अभी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हो तो आपका सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा हो जाएगा, ये बात। उसके बाद चाह भी लोगे ना तो 2-3 महीने तक आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देगा। और जब तक आपके पास CLC है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होता है, एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का वीडियो जब बनाऊंगा तो उस पर मैं आपको बताऊंगा ही कि कैसे क्या होता है। जब आप CLC किसी कॉलेज को दे दोगे ना तो आपका कहीं फिर एडमिशन नहीं होगा, बिना CLC के एडमिशन आपका होगा ही नहीं। तो आपको CLC अपने पास रखना, यदि CLC पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में दे देते हो तो पटना यूनिवर्सिटी का सपना, और फिर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में ले लेते हो फिर पटना यूनिवर्सिटी में कट ऑफ पे नाम आ जाएगा आपका, उस समय आपको पछताने के सिवा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। और यहाँ पर आकर फिर पटना में आने के बाद वही तैयारी, वही जनरल कंपटीशन की तैयारी, 6,000 पर मंथ दोगे, रूम रेंट में रह कर 6,000 लगेगा और यहाँ 250 रुपया लगेगा। यही दोनों में अंतर है। आपका अच्छा मार्क्स है, आप पे विश्वास है, आप पे कि आपको विश्वास है, अपने आप पे ट्रस्ट है, तो आप अच्छा चुनो और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का स्लाइड अप करो और उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लो। मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते आपको ये बातें बता रहा हूँ, क्योंकि सेम कंडीशन ये मेरे साथ था इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। पटना यूनिवर्सिटी 3 साल में आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दे देगा, उसके बाद जब कोरोना आया, 2 साल यहाँ पे कोरोना है, फिर भी पटना यूनिवर्सिटी का सेशन मात्र 6 महीना लेट चल रहा है, 6 महीना लेट हुआ है, बस 6 महीना। और हम लोग के टाइम में वो मैनेज भी कर लेगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इसको दर्जा मिलने वाला है। अभी की हॉस्टलें आप देखेंगे तो एकदम आलीशान बनती जा रही है, तो ये बहुत बेनिफिट है। बेनिफिट बताना स्टार्ट करूँगा तो 3-4 घंटे आराम से लगेंगे, फिर भी मैं आपको नहीं बता पाऊँगा कि इसकी क्या बेनिफिट है। इसलिए स्लाइड अप करो मेरे भाई, स्लाइड अप करने के बाद यदि डॉक्यूमेंट जमा कर दोगे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, फिर पटना यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो आप स्लाइड अप करो, पटना यूनिवर्सिटी का वेट करो, चांस लो, रिक्स लो, लाइफ में रिक्स बहुत ज़रूरी है। एक बार लाइफ में रिक्स लेना चाहिए आपको, तब आप जाकर कहीं मंजिल पे पहुंच पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपका बड़े भाई का कोई डाउट हो तो मैं देखो मेरे खुद मैं BPSC की तैयारी करता हूँ, अब कॉलेज का मेरा एग्ज़ाम भी है तो मैं आपके कमेंट का जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, कृष्णाकांत 9076 कृष्णाकांत9076 इंस्टाग्राम ID है, तो वहाँ पर आप आकर मेरे से बात कर सकते हो, मैं वहाँ पे जवाब देने का आपका कोशिश करूँगा। बाकी मैं जैसा ही मेरे को टाइम मिलेगा ना मैं आपको आकर जवाब दूंगा। तो आज के लिए तो मेरी बातों को आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। स्लाइड अप करो, यदि चांस लेना रिक्स लो लाइफ में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बिहार।